कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय एमबीपीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव में पहली बार किसी महिला प्रत्याशी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है। एबीवीपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी रश्मि लमगड़िया ने एबीवीपी प्रत्याशी कौशल बिरखानी को 1294 मतों से पराजित कर इतिहास रचा। एबीवीपी से बागी निर्दलीय लड़ रही रश्मि को 2647 और एबीवीपी की कौशल बिरखानी को 1353 मत प्राप्त हुए। रश्मि को 2647 मत मिले जबकि कौशल को 1353 वोट प्राप्त हुए। वही एनएसयूआई प्रत्याशी सूरज भट्ट को 470 मतों से ही संतोष करना पड़ा। निर्दलीय अरहम रजा को सिर्फ 42 छात्रों का साथ मिला। जीत के बाद रश्मि ने सभी छात्र छात्राओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि छात्रों ने जो उन पर भरोसा जताया उस पर वह खड़ा उतरने का प्रयास करेंगी। सभी नवनिर्वाचित छात्र संघ पदाधिकारियों को देर रात शपथ दिलाई गई। छात्र शक्ति ने दिखा दिया कि अगर छात्र शक्ति मेरे साथ है तो कुछ भी असंभव नहीं है। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है जैसी मैं हमेशा कहते आई हूँ। और मैं एक बात कहना चाहूँ, जब बेटी खड़ी होती है तो जीत बहुत बड़ी होती है, जिसका उदाहरण आज आप लोग सभी लोग देख रहे हैं। बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, आप लोगों को पता है क्या कर रहा है कुछ कर रहा है। हाँ, एक बात कहना चाहती हूँ, परिषद ने कहीं ना कहीं क्या कहते हैं मुझे मंच दिए थे, लेकिन जब मेरा अपमान भी बहुत बड़ा अपमान किया है, भले ही वो कुछ चुनिंदा लोगों ने करा हो, मैं परिषद ज्वाइन तो नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी दिल से थैंक यू। बहुत टाइम तक मैं उन लोगों के साथ रही थी। देखिए, जिन भैया लोगों ने, जो बड़े भैया लोग मेरे साथ खड़े रहे हैं, मैं उनकी छत्र छाया बनकर, जो छात्र शक्ति मेरे साथ खड़ी रही है, मैं उनकी ताकत बनकर खड़े रहना चाहती हूँ। अध्यक्ष यहाँ पर जीत गई है, रश्मि लमगड़िया उनका नाम है, और ये एमबी कॉलेज का एक इतिहास है कि पहली बार एक महिला प्रत्याशी को छात्र और छात्राओं ने चुना। ये भी अपने आप में एक गरिमा का विषय है, क्योंकि छात्राओं का जो मामला है वो हमेशा प्रकाश में रहता है, महिला सुरक्षा रहती है प्रकाश में। तो इस छात्रा ने ये दर्शा दिया कि शायद छात्रा भी कुछ